नांदगांव को जिला बनाने पर महितपुर विधायक बहादुर सिंह चौहान अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, यह कहना था नांदगांव विधायक दिलीप सिंह गुर्जर और समाज सेवी अभय चोपड़ा का। उन्होंने कहा कि बहादुर सिंह चौहान नांदगांव को जिला बनाने के लिए आपत्ति क्यों लगा रहे हैं। 17 सितंबर 2018 को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जन आशीर्वाद यात्रा में जब नांदगांव को जिला बनाने का बोला था, तब मंच पर जोर जोर से तालियां बजा रहे थे, तब विरोध क्यों नहीं हुआ और आज अपना राजनीतिक स्टैंड दिखा रहे हैं। नांदगांव से संजय शर्मा की रिपोर्ट। निश्चित रूप से हमारे द्वारा 2008 से इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ कि शासन द्वारा बड़े बड़े जिलों को दो दो तीन तीन तहसीलों को मिलाकर जिले बनाने की प्रक्रिया पूर्व सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। मेरे द्वारा लगातार इस बात के लिए प्रयास रहे, विधानसभा को 3 बार परीक्षण करने का आश्वासन भी मिला, परीक्षण भी किया गया और उसके प्रस्ताव नागदा खाचरौद महतपुर और आलोट को मिलाकर जिला बनाने के प्रस्ताव शासन को प्रेषित किए गए थे। उस समय एक अवर सचिव द्वारा जानबूझकर किसी राजनीतिक दावाज उस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया था। जहाँ तक जिले की बात है, उसकी प्रक्रिया हमने माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से अनुरोध किया था कि इसकी प्रक्रिया पुनः प्रारंभ की जाए। पुनः प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं और इन्हीं चारों तहसीलों के प्रस्ताव भी शासन द्वारा मंगाए गए हैं, उसमें परीक्षण किया जा रहा है कि कितनी संभावना नागदा को जिला बनने की है। वैसे तो नागदा सभी मापदंडों में पूर्ण रूप से उतरता उतरा हुआ है, ये कि यहाँ पर जिला बनने की पूरी